भौरासा नगर में हर साल की तरह इस साल भी इजतमाई शादी कमेटी भौरासा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। कई दिनों से कमेटी के सदस्य लगातार जोर शोर से तैयारी कर रहे थे तो 18वीं बार शादी कमेटी के जरिए पुराना थाने के पीछे वाले मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 36 जोड़ों का निकाह शहर काजियों के द्वारा सम्पन्न करवाया गया है। तो वही इस सम्मेलन में अगर देखा जाए तो इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर, आस्था, सीहोर, देवास, सोनकर और अन्य सभी क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। 10 से 15 हजार लोग यहां जुड़े हैं। तो वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बगैर बालित के बच्चों का निशुल्क विवाह आयोजित हुआ है। तो सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक के अलावा यहां अन्य वरिष्ठ लोग मौके पर मौजूद रहे हैं। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मंत्री वर्मा के पुत्र पवन वर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो वहीं समिति को 21,000 रुपए नगद राशि के रूप में भेंट किए गए हैं। निकाह का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं पूरी कमेटी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि 36 जोड़े आसपास की सभी क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उन नवविवाहित जोड़ों को उनके आगे आने वाले जीवन के लिए अल्लाह ताला से यही दुआ मांगता हूँ कि उनका जीवन बड़ा अच्छा हो और उनका जो निकाह है वो सफल हो। माननीय मंत्री श्री सज्जन सिंह जी वर्मा जी स्वस्थ नहीं होने के कारण आज आपके बीच नहीं आ पाए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। तो एक बार फिर आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी कमेटी को जो सफल आयोजन हुआ है, हमारे सदर साहब, हमारे अध्यक्ष जी राजन भैया, सभी नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।